नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनॉइज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NTPC स्टॉक को लेके। NTPC स्टॉक के बारे में कुछ अपडेट्स आया है, हम लोग कोशिश करेंगे एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने के लिए। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पे अगर देखते हैं, 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 92.35 के आसपास चल रहा था। उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे एक जो है डाउन ट्रेंड दिखाया है। उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टॉक जो है 105.95 पैसे के पास पहुंचने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। तो कुछ महीने से कंटिन्यूअसली स्टॉक में हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। NTPC स्टॉक में कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर 1 महीने का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, 1 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 87.50 के आसपास चल रहा था। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक गिरावट देने के बाद फिर से स्टॉक में मजबूती दिखाया है। 5 डेज का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, 5 डेज का भी हम लोग देखते हैं स्टॉक में अच्छा खासा एक मजबूती बनता हुआ दिख रहा है। आज का भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा एक स्टॉक के ग्राफ में पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल हम लोग को जो लग रहा है, ये स्टॉक अगर हम लोग खरीदारी करते हैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए, तो अच्छा खासा एक रिटर्न बनता हुआ दिख सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न नहीं दिख सकता है, हाँ छोटा मोटा एक रिटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है। चलिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस। तो आज का जो स्टॉक ओपन हुआ था 88.80 पैसे में, हाई प्राइस दिया है 89.65 पैसे का एंड लो प्राइस दिया है 87.05 पैसे का। तो ओपन होने के बाद स्टॉक जो है 1.85 पैसे के आसपास रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे अगर अभी का इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग एक गूगल से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइव इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है हम लोग को 2.50% का जो है अभी तक इसने रिटर्न दे दिया। अमाउंट बात करेंगे तो 2.15 पैसे का रिटर्न दे दिया है। अच्छा स्टॉक है, पावर सेक्टर में अगर देखते हैं हम लोग, बहुत ही कम अमाउंट का स्टॉक है और यहाँ पे रिटर्न भी बहुत बार NTPC स्टॉक ने अच्छा खासा दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो चलिए अभी देख लेते हैं ये स्टॉक में क्या अपडेट आया है जिसके चलते हम लोग को लग रहा है स्टॉक में अच्छा खासा एक मजबूती आगे भी बन सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल अगर हम लोग देखते हैं तो स्टॉक में अभी जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में जो है आराम से ये स्टॉक में 93-94 तक पहुँच सकता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे हम लोग देख पा रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहे हैं energyworld.com से, NTPC हैज सेट ए 32 GB रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट बाई 2032 विच इज 25% ऑफ इट्स टोटल प्लान कैपेसिटी ऑफ 130 GW। तो NTPC जो है अभी 32 GW का भी जो है प्लान जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो सेट करने के जो है अभी सेट कर चुका है, जो कि 2032 तक ये लोग वो कंप्लीट करने का सोच रहा है। तो NTPC की बात करेंगे, पावर सेक्टर में हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इन लोगों का बिजनेस है, बहुत ही अच्छा खासा जो है मार्केट पे इन लोगों का एक बोल सकते हैं कि अच्छा खासा बिजनेस भी है और ये लोग कंटिन्यूसली कोशिश भी करते अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। वी आर नो लॉन्गर लुकिंग एट न्यू ग्रीनफील्ड कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स, वी आर लुकिंग एट रिन्यूएबल इन ए बिग वे एंड अल्टीमेटली वॉन्ट टू बी ए लार्ज प्लेयर Not only within the country but also use renewable as a pillar to promote green hydrogen. तो ये कंपनी का अभी जो NTPC का जो अपडेट अभी आया है यहाँ पे, ये अभी सिर्फ ग्रीनफील्ड कोल बेस्ड प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूसली ये लोग नए नए अपने जो बिजनेस है उसको अपग्रेड कर रहा है और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे ये लोग बोल सकते हैं कि एक जो है इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं कंपनी को आगे लेके जाने के लिए। ये एक बहुत ही बढ़िया खबर है। और उसके बाद NTPC में जो है बायबैक का भी बात चल रहा है जिसके चलते भी स्टॉक में आगे और मजबूती बनता हुआ दिख सकता है। तो अभी बायबैक का हम लोग एक बार इंफॉर्मेशन यहां पे देख लेते हैं कि बायबैक के बारे में क्या अपडेट आ रहा है। तो ये जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं moneycontrol.com से हम लोग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, NTPC बोर्ड टू कंसीडर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर ऑन November 2। तो यहां पे NTPC जो है बायबैक शेयर के बारे में अभी एक बात चल रहा है जहाँ पे November 2 तक ये लोग उसके बारे में फुल हम लोग बोल सकते हैं कि एक अपडेट दे देगा। स्टेट ओन पावर जायंट NTPC ऑन October 26 इट्स बोर्ड विल ऑन November 2 कंसीडर ए प्रपोजल टू बाय बैक द कंपनी सिक्योरिटी शेयर। तो November 2 तक जो November 2 तक जो है कंपनी NTPC जो है बोर्ड मीटिंग के जरिए प्रपोजल के जरिए बायबैक का जो भी इक्विटी शेयर का है उसके बाद सामने लाएगा। लास्ट वीक मार्केट रेगुलेटर सेबी ग्रांटेड एग्जेम्पशन टू NTPC फ्रॉम सर्टेन बायबैक नॉर्म्स फॉर द प्रपोज्ड मर्जर ऑफ इट्स होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी विद द पेरेंट कंपनी। इन अक्टूबर NTPC हैड फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू सीक एग्जेम्पशन फ्रॉम द स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द बायबैक नॉर्म। तो अक्टूबर महीने में NTPC ने एक फाइल किया था एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के नाम से जाना जाता है
वहाँ पे इन लोगों ने जो कुछ एग्जम्पशन मांगा था, जो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और बायबैक नॉर्म्स का है उसके उसको लेके एक एग्जम्पशन या फिर हम लोग एक छूट मांगा था बोर्ड इन इट्स मीटिंग ऑन नवंबर 2 विल कंसिडर प्रपोजल फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एनटीपीसी। तो यहाँ पे जो है हो सकता है कि 2 नवंबर तक बोर्ड जो है एनटीपीसी के बोर्ड जो है वो कंसिडर करेगा प्रपोजल जो है बायबैक का एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी के बारे में अलग से कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जो भी स्टॉक में इंटरेस्ट रखते हैं एनटीपीसी का उन लोगों को पता रहेगा। कि पावर सेक्टर में अगर बात करते हैं छोटा सा इसका प्राइस है, प्राइस हम लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, बट अगर इसका बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा भी रिटर्न दिया है एनटीपीसी ने। बहुत बार हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एनटीपीसी से रिटर्न भी देखने को मिला है। तो अभी बात ये आता है कि ये स्टॉक का जो है प्राइस चल रहा है, हम लोगों ने देखा 80-89 के आसपास जो अभी स्टॉक चल रहा है, कितना जल्दी तक ये स्टॉक में बहुत एक अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा समय पहले देखा है स्टॉक में जो 6 महीना पहले 105 रुपये के ऊपर भी पहुँच गया था। तो फिलहाल हम लोगों को जो लग रहा है ये स्टॉक में बहुत जल्दी जो है 95-96 के ऊपर नहीं जा सकता है, बट ये जरूर है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा खासा एक रिटर्न दे सकता है, क्योंकि अभी स्टॉक में जो अपडेट्स आ रहा है उसके चलते बायबैक में भी चल रहा है, तो उसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टर जो है बुलिश है। और जब हम लोगों ने ये स्टॉक को लेकर रिसर्च किया है तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकल के आया है जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर जो है ये स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बता रहे हैं। तो यहां पे अगर हम लोग खरीदारी करते हैं तो बहुत जल्दी इसमें एक अच्छा खासा भी रिटर्न देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो वीडियो को यहां पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एनटीपीसी के बारे में जो अपडेट्स आया है एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि अगर आप एनटीपीसी का स्टॉक में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर एनटीपीसी स्टॉक लेते हैं तो आपको उसके बारे में अपडेट रह जाए। तो जो भी हम लोग टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस देते हैं सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है। रिक्वेस्ट करेंगे जब भी आप स्टॉक खरीदते हैं खुद से जरूर रिसर्च कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि जो भी टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस हम लोग देते हैं उसमें खरीदना या फिर सेल करना है, खुद से रिसर्च जरूर कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।